आखिरकार 9 महीने बाद मनीष कश्यप की रिहाई हो चुकी है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आ चुके हैं और काफ़ी भीड़ जो है बेउर जेल के सामने उनके स्वागत में उनको देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। काफ़ी वक्त तक ट्रैफिक जाम भी रहा था, काफ़ी लोगों की भीड़ जो थी वहाँ एक हुजूम जैसी उमड़ पड़ी थी। और मनीष कश्यप ने बहुत कुछ कहा भी, उन्होंने कहा कि मुझे साजिशन NSA मुझ पर लगाया गया, जिसको कोर्ट ने भी क्वेश्चन किया और उसके बाद कोर्ट ने हटाया, नहीं तो मैं 2 महीने में ही बाहर आ जाता, लेकिन मुझ पर NSA लगा दिया गया। आप बताइए कि ये इतिहास में पहली बार है जब किसी पत्रकार पर, किसी यूट्यूबर पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर NSA लगाया गया हो। ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला फिर भी नहीं हूँ, बिहार में मैं बस बदलाव चाहता हूँ, सरकार के साथ मिलकर बदलाव करूँ, खुद के दम पे करूं, लेकिन मैं बदलाव के पक्ष में था और मेरे साथ ये साजिश के तौर पर मुझे जेल भेजा गया। और उन्होंने कहा कि मैं बस बिहार को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं और मुझ पर जो ये चीज़ें हुई इसमें काफ़ी कुछ तरीके से मैंने ये देखा है कुछ महीनों में, और मुझे साजिशन मुझे अरेस्ट किया गया, अंदर जेल भिजवाया गया, अब मैं बाहर आ गया हूँ। मुझ पर NSA जो लगाया गया उसको भी कोर्ट ने खारिज किया और उसके बाद देखी कि मुझ पर से NSA हटाया गया और अब मैं बाहर हूँ, तो काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। उन्होंने मीडिया को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया वाले शुरू में मेरे खिलाफ खबरें दिखा रहे थे, गलत खबरें दिखा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सही खबरें भी दिखाई, मेरी माँ के भी काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए, हमारे भी इंटरव्यूज़ लिए, ये सब कुछ। काफ़ी मीडिया की भी काफ़ी भीड़ थी बेउर जेल के बाहर और लोगों का तो भीड़ इतना ज़्यादा था कि बहुत देर तक अनाउंसमेंट कर कर के लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही थी। खुद मनीष कश्यप पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ रास्ता दे दीजिए, मुझे निकलने दीजिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी लोगों में। एक तरीके की बहुत ज़्यादा जो है मनीष कश्यप को लेकर क्रेज़ रहता था, जो आपको बता दें कि मनीष कश्यप जिस मुद्दे को उठा देते थे वो दनादन वायरल हो जाता था, उसको उसके पीछे जो जितने भी पोर्टल हैं, वेब पोर्टल हैं, वो लग जाते थे, उस खबर को वायरल कर देते थे, चाहे वो सोनू वाली खबर हो या फिर आप देखिए कि इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें रही हैं बिहार में जिसको लेकर मनीष कश्यप ने आयांश का मुद्दा हो, या बहुत सारी खबरें हैं जिसको लेकर जब भी मनीष कश्यप उस खबर को दिखाने पहुँचते थे तो वो खबर जो है ट्रेंड बन जाता था, नेशनल ट्रेंड बन जाता था। तो ये सब कुछ को लेकर बहुत सारे जो प्रशंसक थे वो बहुत दूर दूर से, हरियाणा से तो बहुत दूर दूर से पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वो हमारी बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं और हमारे मुद्दे को उठाते हैं, इसलिए हम लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर उनके स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए। फ़िलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।